हेलो दोस्तों, मैं सोनिका और आज मैं आपको बताऊंगी कि ये काम करते रहोगे तो आपकी पार्टनर या लड़की आपको कभी इग्नोर नहीं करेगी। तो आज के वीडियो से टॉपिक पे हैं और ये वीडियो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है क्योंकि बहुत से लोग ये कमेंट कर रहे थे कि उनकी पार्टनर अब उन्हें इग्नोर करने लगी है, उनकी कॉल या मैसेज का रिप्लाई नहीं करती है, या उनकी क्रश जो है पहले तो बात करती थी लेकिन अब जो है उन्हें अवॉइड करने लगी है, ठीक है, उनको उतना रिस्पॉन्स नहीं देती है। तो ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प कर सकती है, तो इसीलिए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखो, अगर आपकी पार्टनर या लड़की आपको इग्नोर कर रही है तो सबसे पहला जो काम आपको ये करना है कि आपको उनकी लाइफ में दखल देना बंद करना होगा। जी हाँ दोस्तों, देखो ये एक ऐसी चीज़ होती है जो मोस्टली लड़के जो हैं लड़की से बातचीत करते समय या अपनी पार्टनर से बात करते समय भूल जाते हैं। क्योंकि दोस्तों देखो, आजकल के टाइम में जो छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं उनको भी अपनी लाइफ में प्राइवेसी चाहिए होती है। अगर आप उन्हें बाउंडेशन में रख दो कि यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, तो वो क्या है कि वो आपसे इरीटेट होने लगते हैं, आपको नापसंद करने लगते हैं। ठीक इसी तरह से अब वो तो आपकी पार्टनर है या आपकी गर्लफ्रेंड है, तो ऐसे में उनको भी अपनी लाइफ में थोड़ा सा पर्सनल स्पेस चाहिए। अगर आप उनकी पर्सनल लाइफ में दखलंदाजी नहीं करोगे या इंटरफेयर नहीं करोगे तो इससे एक तो ये होगा कि उनका इंटरेस्ट आप में हमेशा बना रहेगा, ठीक है, और दूसरा वो कभी भी आपसे बोर नहीं होंगी। दूसरा काम आपको ये करना है कि एक लिमिटेड वैल्यू करनी है, मतलब कि अगर आप किसी इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा वैल्यू देते हो तो ये होता है कि उस इंसान के भाव अपने आप बढ़ने लगते हैं, वो साथ में आसमान पर चढ़ जाता है। और इससे ये भी होता है कि इससे कहीं ना कहीं आपके भी वैल्यू उसकी नज़रों में थोड़ी बहुत कम होने लगती है। तो अगर आप उस लड़की को या अपनी पार्टनर को लिमिटेड वैल्यू दोगे तो इससे कहीं ना कहीं आपकी भी वैल्यू बड़ी बनी रहेगी उसकी नज़रों में, और उसकी भी वैल्यू, उसे भी ये रियलाइज़ होगा कि आप उसकी इज्जत करते हो, ठीक है। तो इसीलिए रिलेशनशिप की बात करें या फिर नॉर्मली क्रश से बातचीत करने की बात करें तो आप उन्हें थोड़ा बहुत टाइम दो या थोड़ी बहुत वैल्यू रियलाइज़ करवाओ, ठीक है। ज़रूरत से ज़्यादा उनके लिए अवेलेबल मत रहो जिससे वो आपसे बोर होने लगे। तीसरा काम आपको ये करना है कि उतना ही उनके साथ रहना शुरू करो जितना कि उन्हें अच्छा लगता हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि सामने वाला आपसे बात करते समय बोर होने लगता है, जैसे कि आप फ़ोन पे ही बात क्यों ना कर रहे हो, तो फ़ोन पे बात करते समय सडनली कुछ देर बाद जो है बातें ऐसे होने लगती हैं, और बताओ क्या चल रहा है, ठीक है, और इस तरीके से, मतलब कि उनके सवाल ऐसे होने लगते हैं कि और बताओ और सुनाओ इस तरीके से। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपसे बात करते समय बोर हो रही है तो उस टाइम को आप उससे उसके बोर होने से पहले ही ख़त्म कर दो, जिससे उसका इंटरेस्ट आप में बना रहेगा और आप जो उसके सामने थोड़ा सा चीप भी नहीं रहोगे, ठीक है, कि आप ज़बरदस्ती उससे बात कर रहे हो, उसका मूड नहीं है बात करने का या आपकी पार्टनर का आपसे मन नहीं है बात करने का, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप घंटों उनके साथ रहते हो, उनका अपना टाइम देते हो, तो इससे भी कहीं ना कहीं वो आपको इग्नोर करना शुरू करने लगती है। अगला काम आपको ये करना है कि आपको अपनी भावनाओं पे काबू रखना है। जी हाँ दोस्तों, देखो जब इंसान किसी से प्यार करता है ना तो उससे बातचीत करते समय कई बार ऐसा हो जाता है कि वो अपनी भावनाओं में इतना ज़्यादा बह जाता है कि उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा नीडी हो जाता है, बहुत सी वो चीप हरकतें करने लगता है, जैसे कि थोड़ा सा क्लोजनेस दिखाना, ठीक है, नज़दीक रहने की कोशिश करना, ठीक है, बहुत ज़्यादा बातें करने की कोशिश करना, सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी उसके बारे में जानना। तो अगर आप अपनी भावनाओं को थोड़ा कंट्रोल करके रखोगे, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को काबू रखोगे, तो इससे भी आपकी पार्टनर हो या आपकी गर्लफ्रेंड ही क्यों ना हो या आपकी क्रश ही क्यों ना हो, उसका इंटरेस्ट कभी भी आपसे ख़त्म नहीं होगा, ठीक है, वो हमेशा आपसे बात करना पसंद करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।